ये तो बताओ कान्हा जी, अगर मैं राधे ना होती तो भी आप मुझे इतना ही प्रेम करते? श्री राधे ने एक नन्ही बच्ची की तरह एक और गर्दन झुकाते हुए पूछा। कृष्ण जी अपना माखन खाने में बहुत ही व्यस्त थे, जो उन्होंने अभी जल्दी में ही कहीं पड़ोस से चुराया था। उन्होंने राधे की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। श्री राधे ने झटपट उनके हाथ से माखन का पात्र छीन लिया और चिल्लाई, सांवरिया मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या है राधे? कृष्ण और भी जोर से चिल्लाए। उनका माखन से लतपत मुंह किसी लंगूर से कम नहीं लग रहा था। श्री राधे बहुत ही नाराज होकर वहां से जाने लगी। उनका गुलाबी चेहरा गुस्से से लाल हो चला था। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे दोबारा कभी बुलाना मत। कृष्ण जी ने उनका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। बिल्कुल राधे, मैं तब भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता। अच्छा तुम बताओ, अगर मैं कृष्ण ना होकर कोई वृक्ष होता तो तब तुम क्या करती? तब मैं लता बनकर तुम्हारे चारों ओर लिपटी रहती, श्री राधे ने अपने गुस्से को ठंडा करते हुए कहा। और अगर मैं यमुना नदी होता तो? कृष्ण ने राधे को मनाने के लिए बच्चों की तरह मुस्कुरा कर कहा। तब मैं लहर बनकर तुम्हारे साथ साथ बहती रहती कान्हा जी, श्री राधे ने उत्तर दिया। उनका गुलाबी रंग वापस लौट आया था। वे ठुड्डी के नीचे अपना हाथ रखकर अगले प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगी। अच्छा, अगर मैं उसकी तरह गौ होता तो तुम क्या करती? गौ? कृष्ण निकट घास चरती एक गौ की तरफ इशारा करके बोले। राधे हंसने लगी। तो मैं घंटी बनकर आपके गले में झूमती रहती प्राणनाथ, परंतु आपका पीछा नहीं छोड़ती। प्राणनाथ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री राधे कान्हा जी के गाल खींचती हुई बोली, हाँ प्राणनाथ। फिर अगले कुछ पलों तक वहाँ एकदम शांति छाई रही। केवल यमुना की लहरें और मोर की आवाज ही सुनाई देती थी। कुछ देर बाद श्री राधे ने चुप्पी तोड़ते हुए कान्हा जी से पूछा, आप हमें कितना प्रेम करते हैं कान्हा जी? मेरा मतलब, अगर हमारे प्रेम को अमर करने के लिए कोई वचन देना हो तो आप क्या वचन देंगे? कृष्ण ने राधे के कर कमल चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ राधे, कि जो भी भक्त तुम्हें स्मरण करके रा शब्द बोलेगा, उसी पल मैं उसे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर दूंगा। और पूरा राधे बोलते ही मैं स्वयं उसके पीछे पीछे चल दूंगा। तब श्री राधा ने कान्हा जी को वचन देते हुए कहा कि मैं भी आपको आज वचन देती हूँ कान्हा जी, कि मेरे भक्त को तो कुछ बोलने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ भी जिस किसी के हृदय में आपके नाम का सच्चा प्रेम होगा, मैं स्वयं आपको लेकर उसके पीछे पीछे चल दूंगी, श्री राधे ने अपने नैनों में प्रेम के अश्रु भरकर कहा। दोस्तों, आपने देखा कि श्री राधे का हृदय कितना कोमल है, श्री राधा रानी कितनी दयालु हैं, अपने भक्तों से कितना प्रेम करती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जब भी समय मिले राधे राधे जपना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे, श्री हरिवंश।